दोस्तों, आपने दुनिया की सबसे ऊंची बिल्डिंग बुर्ज खलीफा के बारे में तो सुना होगा, लेकिन आज हम आपको दुनिया की सबसे बड़ी रिहायशी बिल्डिंग के बारे में बताने जा रहे हैं, जहां एक साथ 500 या हजार नहीं बल्कि 20,000 लोग रहते हैं। बता दें, चीन के कियानजियांग सेंचुरी सिटी में दुनिया की सबसे बड़ी आवासीय इमारत है, जिसका एक वीडियो इन दिनों सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। लग्जरी होटल के रूप में बनाई गई इस बिल्डिंग को बाद में एक विशाल अपार्टमेंट के तौर पर बदल दिया गया है और अब इसकी 39 मंजिलों में 20,000 से ज़्यादा लोग रहते हैं। आपको जानकर और हैरानी होगी कि ये इमारत 30,000 लोगों की क्षमता वाली है, जिसमें 10,000 लोग और आ सकते हैं। इस इमारत में कई सुविधाएँ मिलती है और कई तरह के व्यवसाय भी चलते हैं। इसमें एक विशाल फूड कोर्ट, स्विमिंग पूल, किराने की दुकान, नाई की दुकान, नेल सैलून और कैफे भी शामिल है। मतलब कि इस बिल्डिंग में रहने वाले लोगों को सभी ज़रूरत का सामान यहीं मिल जाता है और बाहर जाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। आपको बता दें कि दुनिया में ऐसे कई शहर हैं जहां की कुल आबादी भी 20,000 नहीं है, लेकिन सोचिए जिस बिल्डिंग में 20,000 लोग एक साथ रहते हैं वहाँ का नज़ारा कैसा होता होगा। वैसे दोस्तों, कभी आपको ऐसी बिल्डिंग में रहने का मौका मिले तो क्या आप यहाँ रहना चाहेंगे? हमें अपना जवाब नीचे कमेंट में ज़रूर बताएं। साथ ही वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।